भैंसा बल्दिया नायब सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद जिलाई सदर मजलिस की हिदायत पर ईद उल फित्र के पेश नज़र भैंसा की तारीखी कदीम ईदगाह पर ईदगाह इंतजामी कमेटी सदर फैजुल्ला खान फ्लोर लीडर बल्दिया टाउन सदर मजलिस सरकारी कमेटी जिनमें मीर एजाज अली और मजलिस के अराकीन बल्दिया जिनमें मोहम्मद अब्दुल माजिद अब्दुल खादर बाबा रहमत खान और दीगर की निगरानी में तमाम इंतजाम सहूलियात को मुकम्मल करते हुए मुसल्लियों को हर मुमकिन सहूलियात के अकदाम जारी किए गए। अस्सलाम वालेकुम। आज भैंसा शहर के अंदर जो ईदगाह का जो काम हो रहा है, तेलंगाना में ये पहला ईदगाह है जो हर चीज़ से काम हो रहा है। मोहम्मद जाबिर अहमद साहब की हिदायत पे हर साल की तरह इस साल भी नमाजियों के वास्ते जो शामियाना का इंतज़ाम किया गया है, ईदगाह के ऊपर जो हरी चांदी का इंतज़ाम किया गया है, नीचे बिछाने के वास्ते जानिमाज का इंतज़ाम किया गया है। भैंसे वालों को, आतराफ के देहात वालों को ये मुबारकबाद देता हूँ कि ईदगाह के ऊपर हर तरह का इंतज़ाम है। छौ का इंतज़ाम है, शामियाना डाले हैं और झाड़ा के नीचे छौ का इंतज़ाम है। मैं बार बार आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये ईदगाह भैंसे का एक ऐसा मुकाम है जो हर देहात के हर गांव के आदमी आते हैं नमाज को। हमारी कमेटी जो ईदगाह कमेटी की तरफ से जो हम इंतजाम कर रहे हैं जाबिर साहब की हिदायत पे, सारे काउंसलर मिलके, सारे कमेटी मिलके रात दिन या 10 दिन से हम जो 8-10 दिन से जो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह और करते रहेंगे। और ईदगाह की नमाज, ईद की नमाज ईदगाह पर सुबह 8:30 बजे होंगी। ये उलमा लोगों की कमेटी हम लोग बैठे थे, गनी मुफ्ती साहब, शाहिद मौलाना, लती मौलाना, ये सारे उलमा लोग बैठ के ईद की नमाज तय किए। ईद की नमाज ईदगाह पे 8:30 बजे होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे से काम ले रहा है, ये हमारी खुश नसीबी है कि हमसे जो अल्लाह ताला हम काम ले रहा है, बहुत बड़ी बात है हमारे से जो काम ले रहा है दीन का, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। खुदा भैंसा ईदगाह पर मुसलसिल 10 दिनों से चबूतरों का तामीरी काम हयाल सलाह की तरफ इस साल में और ईद उल फितर के मौके पर बढ़ाया गया है। और दूसरा ग्रीन मैट जो धूप से बचने के लिए मुसल्लियों को सहूलत के लिए ग्रीन मैट भी डाला गया है। दूसरा भैंसा में यानी कि सारे तेलंगाना में जो अपना ईदगाह है इसको आज मुकम्मल 231 साल हो चुके हैं। ये ईदगाह एक अपनी शनाख्त रखता है, उसी तरह वो 6 सालों से जब से फैजुल्ला खान साहब की सदारत में और जाबिर साहब की हिदायत पे जो काम हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतना वसी ईदगाह, इतना कुशादा और ग्रीनरी, और हर साल एक चबूतरे के इजाफे के साथ में हमारे काउंसलर्स, हमारी कमेटी, तमाम हमारे म्यूनसिपालिटी के अमला के साथ में हम मुसलसिल 10 दिनों से यहाँ पर रात दिन मेहनतें कर रहे हैं। अल्लाह पाक इस मेहनतों को कबूल फरमाए और मुसल्लियों को सहूलत के लिए जो पार्किंग का पिछले साल जो इंतज़ाम था, अपने मेन गेट से जब अंदर इंटर होते उसके लेफ़्ट साइड में 2 व्हीलर्स का इंतज़ाम है, और ये ग्राउंड पार्किंग के अहाते में जो डैम को लग के है वहाँ पर 4 व्हीलर और 6 व्हीलर का इंतज़ाम है। और मैं तमाम ही भैंसा के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि भैंसा ईदगाह पर नमाज के लिए जब आएँ तो अल्लाह से हमारी कमेटी के लिए, जमात के लिए, जाबिर साहब के लिए दुआ करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।